हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर डीएल एकेडमी की तरफ से आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड क्लास लाया हूं। यह जो क्लास है आपको मैंने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी इन सभी ब्रांचों में है। कल की क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि इनकी क्लास में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें 5 पार्ट में डिवाइड है, उसके बारे में पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे इनको पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। और हमने ये भी बताया तो चूंकि 5 पार्ट में ही पार्ट नंबर 1 मैट्रिक्स हमारा है, पार्ट नंबर 2 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्ट नंबर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। हमने जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो वह पार्ट नंबर 2 से, ठीक है, जब भी हमें स्टार्ट करना होगा वो पार्ट नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि चूंकि जब भी हम लोग एग्जाम पूरा हुआ है तो उसके बीच में छुट्टी हुई है, और छुट्टी होने के बाद हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो चूंकि इसमें मैट्रिक्स में या थ्योरी है, चूंकि हमें मैथ पढ़ना है और उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग जगाना है, क्योंकि ये जो मैथ है सेकेंड ईयर की जो मैथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पहले इसमें इंटरेस्ट जगाना है और अच्छे सवालों को लगा लेना है। बाद में तो इसमें थ्योरी है ही, इसको तो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे डीएल एकेडमी के परिवार से जो भी आपको क्लास मिलेंगे, हर ब्रांच के हर सब्जेक्ट जो भी क्लास मिलेंगे आपको ऑल टू ऑल स्टार्टिंग से अंत तक, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स को ना स्टार्ट करके पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और सीरियल बाय सीरियल चलते हुए लास्ट तक खत्म करेंगे, और जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी तब लास्ट में हम पार्ट नंबर 1 मैट्रिक्स की बात करेंगे, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्या है थ्योरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, आज से मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 4 जिसमें जो हमारा इसमें चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन हमारी तरफ से क्या रहेगा, ये हमारी तरफ से फर्स्ट चैप्टर रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें ये जरूरत नहीं जानने की कहां स्टार्ट करें, क्योंकि हमें मैथ में यह समझना है कि जिसमें ज्यादा समय लगने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट में, जो मैथ के 5 पार्ट में जिसमें ज्यादा समय लगने वाले हैं हम उस पर ध्यान देंगे, जिसके हम सवाल को जल्द से जल्द कवर कर सके। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में अगर 3 दिन क्लास लेंगे, 4 दिन क्लास लेंगे तभी वो आसानी से आप समझ जाएंगे कि थ्योरी भी है और सिंपल भी है, इसलिए उसको स्टार्ट ना करके जो हमें ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारे लिए समय भी कम बचे हुए हैं, तो हमें जो ज्यादा समय लगेगा उसको पहले फोकस करते हैं जो हमें ज्यादा नंबर्स दे सके, इसलिए हम पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी लोग को, किसी भी दोस्त को अगर ये पता नहीं होगा कि कैसे क्लास स्टार्ट हुई है, तो आपके लिए क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ की, ठीक है, वो पार्ट 2 से, और इसमें जो चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है वो हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 होगा, और हम लोग यहां से स्टार्ट करते हुए बात करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए चैप्टर नंबर 4 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि प्रथम क्रम के अवकल समीकरण। अब ये प्रथम क्रम क्या है इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। प्रथम क्रम का मतलब होता है जैसे कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो उसमें प्रथम क्रम, जैसे कोई भी समीकरण उसको हम एक बार अवकलन करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इस रूप में लिखाता है तो हम उसे कहते हैं कि एक बार अवकलन हो गया। मतलब एक बार अवकलन करने का मतलब होगा कि हम किसी एक के सापेक्ष, किसी एक के सापेक्ष मैंने किसे क्या निकाल दिया, वाई का अवकलन किया मैंने, एक्स के सापेक्ष क्या किया, वाई का अवकलन किया, तो इसे कहते हैं हम अवकलन करना। बात आई समीकरण की बात, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रथम क्रम का अवकल समीकरण, तो मैंने इंट्रोडक्शन ही क्लास में बताया, आज फिर से चूंकि हमने बताया आपको कि जब भी हमारी तरफ से क्लास स्टार्ट होगी तो आपको पूरी पूरी बातें बताई जाएगी, हर डिटेल बताया जाएगा कैसे है कैसे नहीं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी और समझने तो बिल्कुल आसान हो। तो इसलिए हमारे अवकल हो गया, और हमने क्या बताया कि अगर सेकेंड साइड भी लिखा हो, इस रूप में सेकेंड साइड भी कुछ लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। समीकरण उसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष हो, लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों साइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समीकरण। तो इसमें एक बार अवकलन भी है, समीकरण भी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। अब इस अवकल समीकरण में कई पार्ट है, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करना, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। कोटि को ऑर्डर कहते हैं, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, और घात क्या कहते हैं, डिग्री, घात को डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चूंकि आपको मैंने बताया अवकल समीकरण किसे कहते हैं,
समीकरण उसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। चूंकि इसका नाम क्या है? अवकल। अवकल मतलब कि इसमें एक बार अवकलन किया गया हो, ठीक है। अगर जिसको भी ये बात समझ नहीं आ रही है अवकलन क्या होते हैं, चूंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अवकलन किसे कहते हैं, यदि आपको तब भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे अपनी बातों शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे अवकलन समझ नहीं आता है, तो हम एक आपके लिए पर्सनली अलग से अवकलन के लिए क्लास लाएंगे, ठीक है। अगर अरिश लोगों ने बताया ये बात कि उनको अवकलन समझ नहीं आता है कैसी चीजें हैं, तो हम एक बार फिर से अलग से आपके लिए अवकलन की ओनली एक बार क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो बाकी समझते हैं मेरा पॉइंट क्या है। तो अवकल समीकरण क्या मतलब हो गया कि उसमें एक बार अवकलन किया गया और उसमें दो पक्ष, उसे क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। लेकिन ये तो हम जान गए अवकल समीकरण किससे कहते हैं, हम जान गए। लेकिन इसमें क्या निकालना है? कोटि और घात, मतलब ऑर्डर डिग्री। अब इसे कैसे निकालते हैं? तो कोटि और घात निकालेंगे, सिंपल तरीका है। जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा, क्योंकि आपको समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण से पूछेगा आपसे कि इसे कोटि और घात क्या है, तो उस समीकरण को हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और कोटि उसे कहते हैं उस समीकरण में जो सबसे अधिक बार अवकलन किया गया होगा, जो सबसे अधिक बार अवकलन किया गया होगा वही आपका कोटि कहलाएगा, और उसी जो अवकलन किया गया होगा उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहां देखें इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में देखा गया है, अब आपको एक बार बता दें, जैसे अगर कोई सवाल ऐसे लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, और डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों में अलग डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में अलग डिफरेंस है। कैसे? इसका मतलब ये होता है कि हम y के x पे दो बार अवकलन किए हैं, दो बार अवकलन किए हैं, लेकिन यहां पर अवकलन एक ही बार किया गया, लेकिन उसका क्या है, उसका स्क्वायर है, वो दुगनी बार है। ये दो बार अवकलन नहीं किया गया, यहां पर हमारा दो बार अवकलन किया गया, लेकिन ये एक ही बार अवकलन किया गया है, उसका क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों बात करेंगे, सबसे महत्तम अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तो अवकलन दो बार है, ये एक बार है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये हमें नहीं समझना, हमें समझना है सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है। तो अगर यहां हम देखें तो हम देखते हैं समीकरण में एक बार अवकलन अवकलन यहां हुआ है और यहां हुआ है, तो हमने क्या बताया, कोटि उसे कहेंगे उस समीकरण में सबसे अधिक बार जो अवकलन किया गया होगा वही कोटि कहलाएगा, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। तो हम देखते हैं यहां पर अवकलन कितनी बार किया गया है, दो बार किया गया यहां पर अवकलन, और यहां पर अवकलन एक बार किया गया है। हमें अवकलन से मतलब कि कितनी बार किया गया, उससे घात से मतलब नहीं है, क्योंकि अवकल समीकरण में कोटि यही कहता है। अगर कोटि मुझे पहचानना है, कोटि कहता है कि अगर मुझे पहचानना है तो उस समीकरण में आप ये देखिए कि सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन किया गया है, जितनी बार अवकलन किया गया होगा वही कोटि होगा, मतलब हम होंगे कोटि होगी, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर कोटि कितना है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, देख रहे हैं कितनी बार अवकलन है, दो बार अवकलन है। हमें यह नहीं समझना कितनी घात पे, घात से मतलब नहीं है, हमें यह देखना कितनी बार अवकलन किया गया है। तो कितनी बार किया गया, ये हमारा दो बार किया गया है और ये एक ही बार किया गया, एक ही बार किया गया, भले क्यूब ये उसका क्यूब है, उतनी बार नहीं, वो खुद का उतनी बार हुआ होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है ना, उसको दो बार किया अवकलन होगा, दो बार उसको बुरा होगा, ये अवकलन एक ही बार है लेकिन उसको तीन बार लिखा जाएगा, लेकिन अवकलन कितनी बार है, यहां पर दो बार है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि इसमें सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन है, तो सबसे अधिक बार अवकलन कितनी बार है, दो बार है, और कोटि यही कहता है समीकरण में जो सबसे अधिक बार अवकलन होगा उसे ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाता है। तो इस समीकरण में सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन है, दो बार अवकलन है, इसलिए कोटि क्या होगा, कोटि हमारी हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी, दो। और घात क्या कहता है, घात कहता है अगर आपने कोटि खोज लिया, कोटि खोज लिया तो उसी का जो घात होगा पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। तो हमने कोटि खोजा क्या है, दो है, तो इसका घात कितना है, दो। तो समीकरण का घात भी कितना होगा, घात भी हमारा दो होगा, सही बात। तो कोटि उसे कहते हैं जो समीकरण में सबसे अधिक बार अवकलन किया गया होगा उसी को हम कोटि कहेंगे, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। ये इसके बारे में, परंतु उसमें एक बात और बोला गया है कि अगर ऐसा कोटि और घात आप तभी बताएंगे जब उस समीकरण में कोई कड़ी कोई घात में, जैसे 1/3, 2/3 इस रूप में ना हो,
सिंपल रूप से स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन कोई जैसे हमारा इस रूप में डी डी एक्स ऑफ वाई के पावर 1/3 ऐसे लिखा हो, 2/3 इस रूप में नहीं लिखाना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो पहले आप उस कर्ड़ी वाले पद को या बटे 3/4 जो भी लिखा है पहले उसको हटाएंगे, तब अपने कोटि को बताएंगे। कोटि मतलब यह है कि जो सबसे अधिक बार अवकलन किया जाएगा वही हमारा कोटि कहलाएगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें, यह सवाल की बात करें, तो यह सवाल हम तो जान गए कि इसमें कोटि कितनी होने वाली है, तो कोटि कितनी है 2/2। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए कोटि क्या होगी 2 होगी, अघात भी क्या होगी इसकी 2 मात्रा होगी। ठीक है, तो इस सवाल की बात करें। अब अगर बात हमने कर्ड़ी वाली बताई, तो एक बार सवाल कर्ड़ी वाले देख लेते हैं, कर्ड़ी वाले पर कि उस पर कैसे बताएंगे। हाँ, तो उस पर देखते हैं कैसे। जैसे हमारा सवाल ये है, अब हमें ये सवाल को बताना है कि इसे कोटि और घात क्या होगी। तो हमने आपसे ये बोला कि कोटि और घात बताने के लिए आप उस समीकरण में देखेंगे सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहां पर 2 बार अवकलन हुआ है और यहां पर 1 बार अवकलन हुआ है, लेकिन उसने बोला है कि कोटि और घात आप ये देख तभी बताएंगे जब उसके अंदर कोई कर्ड़ी वाला नियम ना हो। यदि कर्ड़ी या घात में 1/3, 2/3 दिख रहा है तो आप उस कर्ड़ी वाले पद को हटाएंगे, तब आप जैसे कोटि निकालते हैं उसी तरह कोटि निकालेंगे। मतलब यह है कि मुझे कर्ड़ी कैसे हटाना है। अब हटाने का क्या तरीका है, अगर हमें दिमाग से लगे कि अगर हम इसको पलट दें और दोनों पक्षों क्या कर दें, वर्क कर दें, क्योंकि कर्ड़ी हटाने का क्या तरीका होता है, वर्क करना होता है। और अगर किसी घात में क्या लगाओ, 1/3 लगाओ, किसी घात में अगर क्या लगाओ, 1/3 लगाओ, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा ये कि हम इसको क्या कर, पलट दें पहले, इसको हम क्या करते हैं, पहले पलट दें। इसका हम लिख सकते हैं x²d2y/dx² बराबर क्या होगा, माइनस कर्ड़ी में 1+d dx(y) का क्या होगा, होल क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। अभी भी हम कोटि और घात नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक कर्ड़ी लगा हुआ है, और कर्ड़ी कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब वर्क कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे x²d2y/dx² का क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो इसका x², और अगर माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और कर्ड़ी के स्क्वायर करेंगे तो क्या, कर्ड़ी हट जाएगा हमारा, तो कर्ड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1+d dx(y) का क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कर्ड़ी हट गया, कर्ड़ी का मैटर खत्म हो गया। जब कर्ड़ी वाली बात ऐसी खत्म हो जाएगी तो हमें क्या दिखाना है, तो हमारा जो नियम है कोटि और घात का वही लगाएंगे। कोटि के ज्ञात करने क्या नियम है, कोटि ज्ञात करने का नियम यही है कि उस समीकरण में हम देखेंगे सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है। जो सबसे अधिक बार अवकलन किया गया होगा वही हमारा कोटि कहलाएगा, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। तो हम देखते हैं यहां पर तो अवकलन हुआ नहीं, छोड़ दें, यहां अवकलन हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। आगे चलते हैं, यहां देख रहे कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। तो सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो हमारा कोटि कितनी हो जाएगी, तो हमारी कोटि हो जाएगी कितनी, कोटि हो जाएगी हमारी क्या, 2। क्यों, सबसे अधिक बार अवकलन कितनी बार है, 2 बार है, और इसी का जो सबसे अधिक बार अवकलन होता है उसी का घात क्या कहलाएगा, पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। तो इसका मतलब घात भी हमारा क्या हुए, 2, मतलब समीकरण से कोटि भी 2 निकल गया और घात भी हमारा 2 निकल गया। ठीक है, तो सवाल इसमें बहुत सिंपल है, बस आपको मेरी बातों को ध्यान सुनना है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आप उस बात को समझ गए तो सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे समझ जाएंगे कि कहने वाले क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ इस चैप्टर नंबर 1 से जो हमने आज स्टार्ट किया हुआ है। पहला पॉइंट क्या, किसी भी अवकल समीकरण से कोटि और घात कैसे निकालते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आपका, कोटि उसे कहते हैं समीकरण में जो सबसे अधिक बार अवकलन किया जाएगा वह कोटि कहलाएगा, और उसी का घात पूरे समीकरण का घात कहलाएगा। यदि उस समीकरण में कहीं पर कर्ड़ी या फिर 1/3, 2/3 इस तरह कुछ आ रहा होगा तो आप पहले उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तब उसके बाद आप कोटि और घात बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं,
एग्जाम्पल आपको और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल कहीं ऐसे लिखा है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में लिखा है, और कहीं पर लिखा है डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री के पावर टू बाई थ्री, इस रूप में लिखा है। अगर आपसे कह दे कि इसमें कोटि और घात बताइए, इसमें कोटि और घात बताइए, तो आपका नियम तो पता है कोटि किसे कहते हैं, जो सबसे अधिक बार अवकलन किया जाएगा उसे कोटि कहते हैं। लेकिन कोटि यह भी कहता है कि आप मुझे तब बताएंगे जब मेरे ऊपर कोई कर्णी या घात में बटे वाले नियम नहीं आएंगे, अगर हैं तो आप उनको हटाइए फिर मुझे बताइए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहां तो कोई है नहीं, लेकिन यहां वन बाई थ्री है, इसको पहले हटाएंगे तभी कोटि का नियम लगाएंगे। और बटे में तीन हटाने क्या मतलब है, कड़ी कैसे हटाते हैं, वर्ग करते हैं, तीन हटा देना क्या करना होगा, घन करना होगा, तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, घन करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन मतलब क्या, क्यूब, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर घन का मतलब क्या होता है, घात में तीन लगाना, तो जब घात में तीन लगाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और यहां पे तीन क्या हो जाएगा हमारा, तीन कैंसिल हो जाएगा ना, दो बचेगा तुम्हारा, डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब के क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यही तुम्हारा तीन कटेगा ना, घन करने का मतलब क्या होता है, घन करने के बाद दो बट तीन है तो ऐसे इंटू क्या करना होगा, तीन करना होता है ऐसे ना, एक घन कराता है ना, इधर भी तीन इधर भी तीन, तो तीन से क्या क्या होता है, कैंसिल होता है, इसलिए कहते हैं क्या, वो दो हमारे हट जाते हैं, ठीक है, दो हमारे हट जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर बटे तीन तो हट गया, अब हट गया तो हम सीधे कोटि का नियम लगाएंगे। कोटि क्या कहता है, कोटि कहता है कि इसमें खोजिए सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन है, तो हमने देखा ये कितनी बार अवकलन है, दो बार अवकलन है, ये हमारा तीन बार अवकलन है, तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा हमारा हुआ तीन, तो जो ज्यादा होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। इसका मतलब कोटि हमारे कितने हो गए, कोटि हमारी हो गई कितनी, तीन। और इसी घात जो सबसे अधिक होगा, जब कोटि खोज लिए तो उसी घात क्या, पूरे समीकरण घात कहलाएगा, तो इसका मतलब घात कितना हमारा हो गया, घात हमारा हो गया कितना, दो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हमने देखा कि कोटि और घात कैसे निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, यदि नहीं आता है तो हम सबके सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बातें कि कौन सी दिक्कतें हैं सर, क्या दिक्कत है, पूरी प्रॉब्लम आपको सॉल्व की जाएगी, एक भी डाउट एक भी चीजें क्लियर होंगी पूरी पूरी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको पूरी बातें बताया जाएगी, हर तरीके समझाया जाएगा कि आप अच्छे से सवाल को कर सकें, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, छोटी सी पॉइंट थी कोटि और घात निकालना, जिस पर हमने दो तीन सवाल बता दिया, आप सवाल लगाइए, आपको कोई टेंशन दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे तो चलते हैं। अब उसके बाद आ गया कि अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि किसी भी समीकरण में कोटि और घात कैसे निकालते हैं, जो कि हमने बता दिया। अब सेकेंड टाइप जो है वह क्या है, अवकल समीकरण बनाना। अभी तो हमने सीखे कि अवकल समीकरण से कोटि घात कैसे निकालते हैं, अब हमें अवकल समीकरण खुद से बनाना होगा। तो बनाते कैसे हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैथ का मतलब, अगर आपको मैथ अच्छे तरीके से परिपक्व होना है, मैथ को जो सेकेंड ईयर की मैथ है, अगर इसमें आपको अच्छे तरीके से जानकारी लेना है, तो बस मेरी बातों को ध्यान सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अगर आप मेरी बातों को पकड़ लिए तो आपको कोई भी सवाल होगा आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं देगा, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान समझिए कि क्या कह रहे हैं हम। अवकल समीकरण बनाना, तो अवकल समीकरण किसी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को कैसे बनाते हैं ये सुनिए। कोई भी समीकरण आपको दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसमें खोजेंगे कि इसमें कितने कांस्टेंट हैं। अब बची बात कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट हमारे नियतांक होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर आते हैं सभी हम कांस्टेंट मानेंगे। फाई लिख रहे यहां पर, आपको कांस्टेंट किसको किसको मानना लिख रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट किसको किसको मानना है, ये नोट पॉइंट में हम समझा दे रहे हैं आपको कांस्टेंट किसको मानना है। ए टू जेड का मतलब समझते हैं ना, ए बी सी डी, यूबीसीडी जो हमने बचपन में पढ़ते रहते हैं, वही ए से लेकर जेड तक आएगा, जो भी आएगा उसे क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। पहले समझ लेते हैं फिर बताते हैं आपको क्या इसका यूज है। फाई हो गया, साई हो गया, ठीक है, ईटा हो गया, कोई कांस्टेंट के हो गया, ये सभी हमारे किस में आएंगे, सभी हमारे कांस्टेंट में आएंगे। तो अब अवकल समीकरण बनाने से पहले हम ये समझेंगे कि इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, और उसमें एक बात और, कभी भी इसमें यक्स वाई कांस्टेंट नहीं मानेंगे। यक्स वाई कांस्टेंट क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मुझे अवकलन करना होता है तो अवकलन को हम ऐसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, इस रूप में हम अवकलन को लिखते हैं।
तो हम इसमें यह समझते हैं कि यक्ष के सापेक्ष है ना, यक्ष के सापेक्ष हम वाई का अवकलन निकालते हैं, यक्ष के सापेक्ष वाई का अवकलन निकालते हैं, इसलिए यक्ष वाई को छोड़कर बाकी सबको मुझे क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। अब अवकल समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके माने हमें बता दिया हमने। अब जैसे हमने ये देख लिया, अब इससे पहले हम ये गिनेंगे कितने इसमें कांस्टेंट है, तो हमने बता दिया तो कांस्टेंट कौन है, ए है, बी है और सी है, तीन कांस्टेंट है। तो जितने कांस्टेंट रहेंगे आप उस समीकरण को उतनी बार अवकलन करेंगे बारी बारी से, जैसे तीन कांस्टेंट है तो पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे और तीन बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तीन बार अवकलन करेंगे, उसके बाद अवकलन करने के बाद बारी बारी से हम जब अवकलन करेंगे और उसमें यह देखेंगे जितने समीकरण बनेंगे उन सभी समीकरणों की सहायता से जिसको हमने कांस्टेंट माना हुआ है किसी भी तरह से उनको जोड़कर घटाकर समीकरण को हल करके किसी तरह से उस कांस्टेंट को मुझे हटा देना है। और जैसे ही जिस कांस्टेंट को मानकर मैंने अवकलन किया हुआ है लास्ट में जैसे ही वो कांस्टेंट हट जाएगा तो जो समीकरण बचेगा वही आपका अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो हमने देखा इसमें कितने कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है, तो तुरंत मेरे दिमाग बन जाएगा कि मुझे इसे क्या तीन बार अवकलन करना है, और तीन बार अवकलन करने के बाद कांस्टेंट वाली कौन सी है, ए बी सी, उसी को हटा देना है, और जैसे वो कांस्टेंट हट जाएगा जो बचेगा वही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका हम कितनी बार मुझे अवकलन करना है, तीन बार, क्यों, क्योंकि इसमें तीन कांस्टेंट है। तो पहली बार अवकलन करते हैं, ठीक है। अवकलन करिए, ए के साथ एक्स लगा हुआ है तो ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, इंटू यक्ष अवकलन क्या होता है, तो यक्ष अवकलन होता है वन, ठीक है, प्लस का प्लस उतार दिए, बी कांस्टेंट है, बी हमारा जैसे का तैसे उतर जाएगा, इंटू वाई का अवकलन क्या होता है, तो वाई का अवकलन होता है क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट है, अकेले है, इसके साथ नहीं एक्स है नहीं वाई है, तो किसी भी कांस्टेंट अगर अकेले उसका अवकलन कितना होता है, उसका अवकलन जीरो होता है, तो सी का अवकलन कितना हो गया, जीरो, बराबर हमारा जीरो तो है ही, ठीक है। तो ये जीरो हमारा खत्म हो गया, अब तो जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बचा, ए इंटू वन, क्या बचा, ए प्लस बी इंटू क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या बचा, जीरो। हमने क्या बोला, हमें जितने कांस्टेंट दिखेंगे उतनी बार मुझे अवकलन करना है और किसी तरह से उस कांस्टेंट को हटा देना है, जैसे वो कांस्टेंट हटा तो जो बचा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखा मैंने कि ए और बी बचा तो हम इसको उधर कर देंगे, ठीक है, उधर कर देंगे या नहीं भी करते हैं छोड़ दीजिए, आप इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिए। अब इसका दोबारा अवकलन, तीन बार अवकलन करना ना मुझे, दोबारा अवकलन करिए, जब दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करने पर तो एक हमारा कांस्टेंट अकेले में रह गया है और अकेले का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, प्लस बी जैसे का तैसे रहेगा, और ये एक बार अवकलन है, जब इसका दोबारा करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो दो बार अवकलन कहलाएगा, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा जीरो का जीरो है, तो ये जीरो तो खत्म हो जाएगा। अब ये अकेले कांस्टेंट बचा और हमारा मकसद भी है कि कांस्टेंट को किसी तरह हटा दे, और जैसे कांस्टेंट हटेगा वही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, तो ये तो कांस्टेंट जीरो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, बी डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गए, जीरो हो गए, जीरो हो गए। तो अब बी हमारा कांस्टेंट अकेले बचा ना, इसी को हटाना है, तो बी को अगर इधर भेज दें, बी को ओनली इधर भेज देंगे तो क्या कहलाएगा, जीरो तो कहलाएगा, तो डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, जीरो। तो क्या अब दोबारा अवकलन हो गया, क्या इसमें कांस्टेंट हमारा ए बी सी कोई दिख रहा है, कोई नहीं है, दोबारा अवकलन भी कर दिए, हमें वैसे करना था तीन बार, लेकिन जब दो बार में ही सब खत्म हो गए तो जो बचा वही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, यही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है, समझ बात नहीं। तो फिर सुन लीजिए, अवकल समीकरण बनाने का तरीका यह है कि जो समीकरण दिया रहेगा पहले उसमें कांस्टेंट को गिन लेंगे कि हमारे कितने कांस्टेंट है, जैसे हमने बताया कांस्टेंट किसको मानना है, तो ए से लेकर जेड तक सबको कांस्टेंट मानना है, फाई साई ईटा इन सबको क्या मानना है, सबको कांस्टेंट मान लेना है। तो आप इसको कहीं पर अलग से, ठीक है,
इस पॉइंट को अलग से नोट कर लेंगे कि हमें किसको कांस्टेंट मानना है, ये आप साइड नोट कर लेंगे जिससे कि आपको लगे कि हमें कांस्टेंट किसको मानना होता है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट गिन लेंगे और कांस्टेंट गिनने के बाद हम उसको बारी बारी से उतनी बार अवकलन करेंगे, और जैसे ही अवकलन हो जाएगा तो हम ये बस सोचेंगे कि किस तरह से जोड़ घटाकर हम उस कांस्टेंट को समीकरण से हटा दें, और जैसे ही उस समीकरण हट जाएगा तो जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा, जैसे कि मैंने इस सवाल को लगाया हुआ है। अगर आपको तब भी दिक्कत है तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी पर, ठीक है, इसी बेस एक बार और देख लेते हैं कैसे इसका आगे सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, नेक्स्ट क्लास हमारा है वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको भी क्या करना, अवकल समीकरण बनाना है। तो अब हमने जाना कि अवकल समीकरण बनाने का क्या तरीका होता है कि हम उसमें पहले ये देखते हैं कितने कांस्टेंट है, तो पहले हम गिन लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारा किसको मानना है, मुझे ए और बी को मानना है, कांस्टेंट मानना है, ए यहां पर और बी हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट कितने हो गए, दो। तो हमें क्या करना है, दो दिख गए तो हमें दो बार क्या करना है, उसको अवकलन भी करना है, और मेरे दिमाग में ये बात बननी चाहिए कि दो बार अवकलन करना है और साथ ही साथ क्या, जो कांस्टेंट है उसको किसी तरह से हटा देना है, और जब जैसे ही कांस्टेंट हट जाएगा तो जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। देखते हैं कैसे सवाल करते हैं, समझिए ये सवाल क्या है, वाई बराबर हमारा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हमारा सवाल है। अगर चाहे आप सिंपल तरीका समझिए, आप सभी सवालों को ऐसे लिखकर इस पहले वाले सवाल को मान लीजिए क्या, समीकरण एक मान लीजिए आप, हर सवालों को कांस्टेंट कितने हैं, दो, ये आपको पता होना चाहिए कितने कांस्टेंट है और कौन कौन, क्योंकि उतनी बार अवकलन करना है और उन्हीं को क्या करना है, हटाना है मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मैं दो कांस्टेंट ए और बी हो गए, दो हो गए, तो हमें इसका मतलब हमें इसको दो बार अवकलन करना हो। चलिए हम करते हैं, जब पहली बार अवकलन करेंगे ऐसे लिख देंगे, पहली बार अवकलन करने पर या फिर अवकलन करने पर लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ अवकलन करने पर ही लिख सकते हैं ऐसे, हाँ पहली बार अवकलन करने पर, या सीधे आप अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं, अवकलन करने पर, जिसको भी अवकलन में दिक्कत होगा बता देगा कि अवकलन में दिक्कत है, उसके लिए अलग से एक अलग से अवकलन की क्लास बताई जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं वाई का अवकलन क्या होता है, वाई का हमेशा अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, और यदि किसी भी एक्स के साथ कोई कांस्टेंट लगा होता है तो उस कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते हैं, उस कांस्टेंट को जैसे के तैसे लिखते हैं, बस एक्स वाले साथ वाले एलिमेंट का ही अवकलन किया जाता है। ठीक है, तो ए एक्स के साथ में, एक्स का मतलब किसी साथ में होगा, इस साथ में, तो ए कांस्टेंट जैसे का तैसे रहेगा, इनटू कॉस एक्स, इसका एक्स लगा है तो यहां इसका अवकलन होगा, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहां हमारा क्या, माइनस साइन एक्स, प्लस जैसे उतार दिए। अब देख रहे हैं बी कांस्टेंट, ये भी एक्स साथ में लगा हुआ है, तो बी जैसे का तैसे उतार देंगे, और साइंस अवकलन क्या होता है, साइंस का होता है कॉस एक्स, लिख लिए। अब इसको सही कर लेते हैं, लिख लेते सही तरीके से, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस क्या होगा, बी कॉस एक्स। तभी तक हमारा कितनी बार अवकलन हुआ, अभी हमारा एक बार अवकलन हुआ, करना कितनी बार है, दो, क्यों, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको भी समीकरण क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर दो मान लीजिए। अब एक बार हुआ है, चलिए दोबारा करते हैं, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये इसको कैसे लिखते हैं, दोबारा अवकलन लिखते हैं, क्योंकि एक बार पहले से आप फिर दोबारा लिखेंगे, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां फिर वही बात है, तो माइनस ए इसके साथ में जैसे अवकलन तो होगा नहीं, इसको जैसे तैसे उतार दिए, माइनस ए इंटू साइन अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कितना, कॉस एक्स, कॉस एक्स हो गया, प्लस प्लस जैसे तैसे उतार दिए, बी जैसे का तैसे रहेगा, बी इंटू कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस साइन एक्स, माइनस हमारा कितना होता है, साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, सिंपल लिख लेंगे इसको, तो क्या लिख देंगे, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, माइनस ए कॉस एक्स, माइनस ए कॉस एक्स, फिर माइनस क्या लगा, बी साइन एक्स, समीकरण में से क्या मान लेंगे, तीन मान लेंगे। अब ये सवाल एक तरीका समझने का तरीका ये हमारा है, हमारा क्या बताया, अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, तो पहले कांस्टेंट गिन लिए, कांस्टेंट चलिए गिन लेते हैं, दो कांस्टेंट थे हमें गिन लिए दो, ए और बी, फिर मैंने उसको दो बार अवकलन कर दिया, क्या ए भी हटा, अभी तक नहीं हटा है, ना यहीं पर हटा हुआ है और ना यहीं पर हटा हुआ है, और जब तक वो हटेगा नहीं तब हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा नहीं। अब कैसे हटाते हैं, तो हटाना मुझे कहां है, यहां हटाना, हमेशा लास्ट में हटाना होता है,
हटाना मुझे यहां पर है, और हटाएं कैसे, अगर डायरेक्ट नहीं हट पा रहा है तो उसके ऊपर जितने भी इक्वेशन बने हैं हम उनकी सहायता लेंगे। तो हमारे पास इसके बाद इक्वेशन कौन कौन सी है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। अब इनकी सहायता लेकर इनको हटाते हैं कैसे, देखिए जैसे हमारे दिमाग बना कर अगर हम यहां से ए का मान निकाल लें तो इसमें कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमें किसी एक को नहीं हटाना है, हमें दोनों को हटाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लग रहा है सवाल में कि ये हमारा ए का सेक्स है, ठीक है, ये हमारा, देखिए ये वाली चीज पहले हम दोनों से मिला लेंगे, क्या इससे मिल रहा है, तो देखें ए साइन एक्स यहां ए का सेक्स नहीं मिल रहा है, ये दोनों अलग है, इससे मिला लेते हैं ऊपर वाले से, तो देख रहे हैं यहां भी ए का सेक्स है, यहां भी ए का सेक्स है, यहां भी बी साइन एक्स, यहां भी साइन एक्स है, बस अंतर किस बात की है, अंतर ये कि दोनों प्लस और ये दोनों क्या है माइनस है। तो मेरे दिमाग बात बन रही है कि हाँ एक काम कर सकते हैं, इसमें बन सकता है क्या कि अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस बन सकता है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले क्या होगा प्लस बन सकता है, और वैसा हो जाएगा वो, तो इसका मतलब क्या करें माइनस कॉमन ले, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या कर दिया माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये मुझे मिल जाएगा। तो जब ये मिल गया तो हम समीकरण नंबर एक से देखा मैंने कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है उस कांस्टेंट को देखकर हल करना, आकलन करना, और उसके बाद लास्ट में उस कांस्टेंट को किसी तरह से हटा देना, तो हमारा दिख रहा है अगर हम इसके लिए क्या लिखते हैं वाई लिख सकते हैं, तो हम यहां क्या कर देंगे वाई लिख देंगे, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस वाई होगा। तो समीकरण दोबारा अवलम हो गया और दोनों कांस्टेंट भी क्या हो गया हट गया ना, इसका मतलब यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा। बस इसको पलट दीजिए, तो पलट देंगे तो क्या होगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या जाएगा जीरो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे अवकल समीकरण, ये हमारा अवकल समीकरण बन गया। तो इस तरह से बस आपको कांस्टेंट पहचानना है, कांस्टेंट पहचानने के बाद उसको उतनी बार अवकलन करना है, और जो लास्ट में बचेगा उसके ऊपर जितने समीकरण बनेंगे उनकी सहायता से उनको जोड़कर घटाकर या अपने दिमाग लगाकर किसी तरह से उन कांस्टेंट को हटा देना है, और जैसे ही कांस्टेंट हट गए तो जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा अवकल समीकरण कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा अवकल समीकरण कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अवकल समीकरण किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए क्लास में इतना ही, जितने भी आपके दोस्त यार हैं जितना हो सके जल्द से उनसे बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, समय नहीं है, क्योंकि मैथ का कोर्स बहुत ही लंबा है, बहुत समय तक चलने वाला है, इसमें बहुत ही चीजें मिलेंगी जो आप नए तरीके से जानेंगे उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए मैथ, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों से इनके बारे में बताइए कि हमारे डीएल अकेडमी से क्लास चल रही है जो लगभग सभी ब्रांचों में सभी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, और ये डीएल परिवार की तरफ से आपके लिए एक तरह से तोहफा कर सकते हैं जिससे कि आपको हर क्लास हर पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक आपको सभी क्लास प्रोवाइड की जाएंगी और आप अच्छे से ज्ञान ले सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये मैथ की पहली क्लास थी, अभी क्लास थोड़े कम समय के लिए चलेंगे, लेकिन जैसे समय बीतेगा अभी क्लास की टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहिए, बाकी अगले क्लास से मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।